हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म हिटमैन्स वाइफ्स बॉडीगार्ड के बारे में, जो कि हिटमैन्स बॉडीगार्ड के यूनिवर्स की दूसरी मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ को भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है freshmojoindia। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत पिछली फिल्म के एक साल के बाद शुरू होती है, जिसमें हमें माइकल नजर आता है और वो काफ़ी तेज़ी से अपनी कार चलाकर एक इवेंट में पहुंचता है, जिसमें हिटमैन्स के सबसे बेस्ट ट्रिपल ए बॉडीगार्ड का अवार्ड उसे मिलने वाला होता है। और फिर वो वहाँ पर अंदर दाखिल होता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वहीं पर उसका नाम अनाउंस होता है। और फिर वो अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाता है और वहाँ पर वो अपनी स्पीच दे ही रहा होता है, वहीं पर उसे डेरियस नज़र आता है जो कि उस पर हंस रहा होता है। और फिर उसे सारे लोगों में डेरियस नज़र आते हैं और सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं। तब वो उस जगह से बाहर आता है, वहाँ पर उसे चैन मिलता है जिसे पहले पार्ट में वो बचा नहीं पाया था, और इस बार फिर से डेरियस उसे मार देता है। असल में ये चीज़ माइकल अपने साइकेट्रिस्ट को बता रहा था, और फिर वो बताता है कि वो पहले ट्रिपल ए लेवल का गार्ड हुआ करता था, पर डेरियस नाम के हिटमैन ने उसके क्लाइंट को मार दिया था और इसी वजह से उसका लाइसेंस छिन गया था, जिसके चलते वो किसी की भी बॉडी गार्डिंग नहीं कर सकता। और फिर वो पिछली फिल्म की पूरी कहानी सुनाता है, तब साइकेट्रिस्ट उसे बताती है कि उसे शांत होने की ज़रूरत है और उसके लिए उसे छुट्टी पर जाना चाहिए। और फिर वो उसे बाली जाकर छुट्टी मनाने कहती है और उसे बॉडीगार्डिंग के बारे में कोई भी चीज़ें से सोचने से मना कर देती है, और माइकल को ये चीज़ पसंद आती है और वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के ऑफिस में नेता अपनी स्पीच दे रहा होता है और फिर वो वहाँ से निकलता है, जिसमें उसके गार्ड्स को मार दिया जाता है। और फिर हमें फिल्म का विलन एरिस नज़र आता है, उसने उस नेता को किडनैप किया होता है क्योंकि नेता ने उससे पैसे लिए होते हैं और फिर वो लौटा नहीं रहा होता और वो पैसे देने से मना कर देता है, तब एरिस उसे मार देता है। और फिर हमें बाली में माइकल नजर आता है जो कि काफी ज्यादा खुश होता है, और वो बीच पे जाकर कान में ईयरफोन लगाकर शांति से पढ़ रहा होता है, जबकि उसके पीछे सब लोग भागने लगते हैं। और फिर वहां पर सोनिया आती है और माइकल के हेडफोन्स निकालती है और उस पर गोलियां चल रही होती है, और फिर दोनों वहां से भागकर एक जगह पर छुप जाते हैं। और वहां सोनिया बताती है कि वो किंगकार्ड की बीवी है और किंगकार्ड को किसी ने किडनैप कर लिया है, जिसमें किंगकार्ड ने खुद माइकल से मदद लेने को कहा था। और फिर सोनिया माइकल के साइकेट्रिस्ट को टॉर्चर करके माइकल का पता लगाकर उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन माइकल अब बॉडीगार्डिंग नहीं करना चाहता, ये चीज बताता है। तब सोनिया उसे वहां से लेकर भागती है और वहां वो लोग कुछ लोगों को मारकर एक स्कूटी पर माइकल को लेकर वो आगे निकलती है, और वहां माइकल गन लेने से मना कर देता है। तब उनके पीछे गुंडे पड़े होते हैं और तब सोनिया उन्हें मार मार कर आगे बढ़ती है, और फिर वो लोग एक जगह पर गिरते हैं और वहां पर आगे का रास्ता ना होने पर दोनों पानी में कूद पड़ते हैं। कुछ देर के बाद दोनों तैरकर एक जगह पर आते हैं और वहां सोनिया बताती है कि वो लोग हनीमून पर थे और वहां सोनिया तैयार थी, लेकिन वहाँ से किंगकार्ड गायब हो गया था। और फिर सोनिया को किंगकार्ड का फ़ोन आता है, जिसमें वो उसे बचाने कहता है, और फिर सोनिया माइकल को बताती है कि वो माँ बनना चाहती है, लेकिन उन लोगों से ये चीज़ नहीं हो पा रही है। और फिर दोनों किंगकार्ड को बचाने के बारे में सोचते हैं और वहाँ से निकलते हैं, और दोनों एक आदमी से हथियार लेते हैं और वहाँ भी माइकल पेपर्स प्ले लेता है, और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग जाकर गुंडों से मिलते हैं और हथियार दिखाने कहते हैं, और फिर वहाँ पर वो लोग हथियार दिखाते हैं, जिसे वो लोग शुरू करना सिखाते हैं, और उस हथियार से पूरे शहर के इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद हो जाती है और पूरा शहर इस वजह से बर्बाद होने लगता है, और फिर लाइट भी चली जाती है, और वहीं पर ये तबाही एरिस भी देख रहा होता है, और फिर वो सारे गुंडों को मरवा देता है और उस हथियार को अपने कब्जे में ले लेता है। दूसरे दिन शहर में तहकीकात चल रही होती है और वहीं पर ऑफिसर बॉबी आकर सब देखता है, और वहाँ उसके बॉस उसे जल्द से जल्द इस बारे में पता लगाने कहती है, और इस चीज़ के पीछे उनके पास कोई खास खतरनाक हथियार होगा ये चीज़ वो बताता है। तब उसकी बॉस इस चीज़ को जल्द से जल्द ढूंढने कहती है, और फिर एक जगह पर किंगकार्ड बंधा हुआ होता है और उसे विल नाम के एक आदमी मारने की धमकी देता है, क्योंकि किंगकार्ड ने उसके लोगों को मारा था। और उस जगह पर बाहर सोनिया और माइकल आते हैं और वो लोग सबको अंदर मार देंगे, ये चीज़ सोनिया बताती है, लेकिन माइकल उन्हें बिना गोली चलाए ही रोक सकता है ये बताता है, और वो खुद का प्लान समझाता है। लेकिन तब तक सोनिया वहाँ से निकल पड़ती है और माइकल भी उसके पीछे जाता है, और सोनिया वहाँ के कुछ लोगों के पास आती है। दूसरी तरफ माइकल वहाँ के कैमरास बंद कर देता है और वो सोनिया के पास आता है, लेकिन तब तक उसने सब लोगों को मार दिया होता है, और वो माइकल को उसके पीछे आने कहती है, और दोनों अंदर जाते हैं, और वहाँ सोनिया सबको मार मार कर अंदर जाती है, और अंदर जाकर वो विल को भी मार देती है, और वहाँ उसे किंगकार्ड मिलता है और दोनों प्यार से मिलते हैं और किस करते हैं, और वहीं पर माइकल आता है। तब किंगकार्ड भड़क जाता है और सोनिया को वो
वो पूछता है कि वो वहाँ पर क्यों है। तब सोनिया बताती है कि उसने ने उसकी मदद लेने कहा था, और वहाँ किंकार्ड बताता है कि असल में उसने कहा था कि किसी की भी मदद लेना लेकिन माइकल की मत लेना, और सोनिया के सुनने में गड़बड़ हुई थी। और ये सुनकर माइकल भड़क जाता है और वहीं पर एक आदमी उठता है। तब माइकल उस पर पेपर स्प्रे मारता है और किंकार्ड उसे मार देता है, और फिर वो माइकल का मजाक उड़ाता है और तीनों बाहर आते हैं। तब माइकल उन पर भड़का हुआ होता है और वहीं पर दो लोग किंकार्ड और सोनिया को किडनैप कर लेते हैं और माइकल को भी बेहोश कर दिया जाता है। और फिर तीनों हमें एक अड्डे पर नजर आते हैं और वहाँ तीनों से ऑफिसर बॉबी मिलता है और वो बोलता है कि किंकार्ड और सोनिया क्रिमिनल है और माइकल को उसका लाइसेंस चाहिए और वो उनकी मदद कर सकता है। और बॉबी के पास उन लोगों की पूरी डिटेल्स होती है और वो उन लोगों को बोलता है कि उन्होंने व्हील को मार दिया जो कि उसके लिए एक चीज लेकर आने वाला था और ये काम अब उन तीनों को करना होगा। और ये सुनकर माइकल खुश होता है और वो अकेला काम करेगा ये चीज बोलता है। तब बॉबी उसे मारता है और उन तीनों को साथ में काम करना होगा ये चीज बताता है, और उनके पास कोई और भी ऑप्शन नहीं है ये चीज उसका मानना होता है, जिसमें वो उन्हें थोड़ा सा कैश देता है और उन्हें एक मीटिंग में जाकर वहां से एक हथियार लाने कहता है, और वहां पर काम होने के बाद वो लोग आजाद हो जाएंगे और उन्हें जो भी चाहिए वो चीज वो देगा ये चीज बताता है। और फिर बॉबी माइकल को एक फोन देता है और वो उससे बात करेगा ये चीज बताता है। और फिर तीनों वहाँ से निकलते हैं, जिसमें सोनिया किंकार्ड पर भड़की हुई होती है क्योंकि वो गायब हो गया था, और वहाँ सोनिया काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रही होती है, और वहाँ सोनिया बोलती है कि उसने पहले हनीमून नहीं किया था और वो अब करेगी, जिसमें वो फिर से बच्चे की बात करती है, और वहाँ दोनों कार में ही शुरू हो जाते हैं और माइकल कार चलाने लगता है। कुछ देर के बाद वो लोग एक जगह पर रुके होते हैं और वहाँ माइकल सामान लेने जाता है, और किंकार्ड फोन पर हंसकर बात कर रहा था। तब सोनिया को लगता है कि उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है और वो गाड़ी उस पर चढ़ाने जाती है, जिसमें किंकार्ड की जगह पर माइकल गाड़ी से टकरा जाता है। और फिर सोनिया किंकार्ड का फोन लेती है, जिसमें वो दोनों के लिए डिनर अरेंज कर रहा था, और इससे सोनिया खुश हो जाती है। और फिर दोनों पूरा दिन एंजॉय करते हैं, मूवी देखते हैं, और फिर एक ब्रिज के नीचे आकर मचाते हैं। और फिर सोनिया कार के डिक्की खोलती है, तब उसमें से माइकल निकलता है, जिसमें वो भड़का हुआ होता है, और वहाँ सोनिया उसे बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा अकेला है, लेकिन माइकल बोलता है वो एक नॉर्मल इंसान है और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो लोग एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ सोनिया का बॉडीगार्ड माइकल बनकर आगे बढ़ता है, और किंकार्ड स्नाइपर से उन पर नज़र रखे हुए होता है। और फिर दोनों अंदर घुसते हैं, वहाँ जाकर वो लोग एक आदमी से मिलते हैं और बताता है कि उन्हें एरिस ने भेजा है, और फिर वो लोग बात करते हैं और वो उसे चीज़ दिखाता है। असल में उस चीज़ से फिल्म की शुरुआत में शहर को बर्बाद करने वाला मशीन को शुरू किया जा सकता है, और इसलिए एरिस को वो चाहिए होता है। और फिर वो आदमी सोनिया को वो हथियार देते वक्त उसके हाथ में एक मशीन लगा देता है और फिर उसे सूटकेस देता है, और अगर वो सूटकेस उससे दूर हुआ तो वो मशीन फट जाएगा ये चीज़ बताता है, और उस मशीन को एरिस के फिंगरप्रिंट से ही खोला जा सकता है ये चीज़ बोलता है। और वहीं पर एक आदमी माइकल को पहचान लेता है जो कि उसका दोस्त होता है, और फिर बाकी लोग भी उसे पहचान लेते हैं, और वहाँ वो लोग माइकल के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबको पता चल जाता है कि उसका लाइसेंस रद्द हो चुका है, और वहीं पर उन लोगों को शक होता है। तब वो लोग सोनिया और माइकल का मजाक उड़ाने लगते हैं, और तब सोनिया उन्हें गंदी गंदी गालियाँ देती है, और वहाँ किंकार्ड स्नाइपर से हमला करता है और सब लोग लड़ने लगते हैं, और वहाँ सोनिया बंदूक से लोगों को मारती है और माइकल लोगों से लड़ता है, और वहाँ पुलिस भी घुस रही होती है। तब वहाँ सबसे लड़ते लड़ते माइकल सोनिया को बचाता है, जिसमें उसे गोलियाँ लग जाती हैं, और फिर सोनिया माइकल को लेकर पीछे के रास्ते से भागती है, और तीनों वहाँ से एक बोट में भागते हैं। दूसरे दिन सोनिया को लगता है कि माइकल मर गया है, तब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, और फिर वो लोग उसके बारे में अच्छी बातें बोलते हैं, और फिर वो लोग उसे पानी में फेंक देते हैं, और वहीं पर माइकल जाग जाता है और बाहर आता है, और फिर वो दोनों पर चिल्लाता है, और वहीं पर वो बताता है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। और फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक जगह पर एरिस आने वाला होता है, और उन लोगों को एरिस की ज़रूरत होती है क्योंकि वही सोनिया के हाथ से बैग निकाल सकता है, और वहाँ माइकल कमज़ोर हो जाता है। तब सोनिया उसे एक दवाई देती है, और वहीं पर एरिस की टीम गार्ड्स सब आते हैं, और वो बॉडीगार्ड्स दुनिया के सबसे बेस्ट होते हैं ये चीज़ माइकल बताता है। और वहीं पर एरिस बाहर आता है, और फिर वो अंदर चला जाता है, और वहाँ सोनिया उसे देखकर चौंक जाती है, और वहीं पर दूसरी तरफ से एरिस का स्नाइपर तीनों को टेरेस पर देख लेता है, और वो उन पर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें तीनों वहाँ से भागते हैं और उन लोगों के पीछे सब पड़ते हैं, और वहाँ पर एक गाड़ी में बैठकर वो लोग भागते हैं और सारे लोग उनके पीछे होते हैं, और फिर वो लोग शहर से बाहर निकल रहे होते हैं। वहीं पर माइकल
बेहोश हो जाता है। तब बाकी दोनों उसे पीछे डालते हैं और गाड़ी सोनिया चलाती है, और सोनिया बताती है कि उसने उसे ड्रग्स दिया था जिससे वो बेहोश हो चुका है। और फिर वो आगे बढ़ते हैं जिसमें वो लोग काफ़ी तेज़ी से आगे जाते हैं जिसमें उनके पीछे दुश्मन होते ही हैं। और तब एक एक करके गाड़ियाँ वो लोग उड़ाने लगते हैं और वहीं पर एरिस के ब्लॉक बाइक्स लेकर आते हैं। तब किंगकार्ड उन्हें उड़वा देता है और फिर वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है और उन पर हमला करता है, और तब किंगकार्ड उस पर गोलियाँ चलाता है और वहीं पर एक निशाना पायलट को लग जाता है और वो हेलीकॉप्टर टूट पड़ता है और वो लोग आज़ाद होते हैं। और फिर किंगकार्ड एक जगह पर गाड़ी रुकवाता है और दूसरी तरफ एरिस तीनों को न्यूज़ देखता है और वहीं पर सोनिया को वो देखता है और फिर वो तीनों को जिंदा लाने कहता है। दूसरी तरफ खेतों में सोनिया माइकल को लोरी सुना रही होती है और वहीं पर वो उठता है और ड्रग्स के लिए सोनिया पर चिल्लाता है और वो बोलता है कि सोनिया कभी भी अच्छी माँ नहीं बन सकती। और इस चीज़ से सोनिया भड़क जाती है और दोनों अलग अलग साइड जाते हैं। और फिर किंगकार्ड सोनिया को संभाल रहा होता है जिसमें वो भी माँ बाप बन नहीं पा रहे, इस चीज़ से परेशान होते हैं। और माइकल एक जगह पर रुकता है और वहाँ वो कन्फ्यूज होता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। और फिर वो किंगकार्ड और सोनिया के पास आता है और माफ़ी मांगता है, और फिर वो लोग मदद के लिए एक आदमी के पास जाएंगे ये चीज़ बोलता है। और फिर तीनों वहाँ से निकलते हैं और फिर तीनों एक जगह पर आते हैं, वहाँ उनसे माइकल के पिता मिलेंगे ये चीज़ वो बताता है। और फिर वो लोग अंदर जाते हैं और वहाँ से वो लोग घर में घुसते हैं जिसमें वहाँ ढेर सारे बॉडीगार्ड्स के मेडल होते हैं। और वहीं पर माइकल सीनियर आते हैं और माइकल उनसे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसके पास अब लाइसेंस नहीं है। और फिर वो मदद मांगता है और रोने लगता है और वहीं पर उसके पिता उसकी मदद करेगी ये चीज़ बताते हैं। और किंगकार्ड उन्हें देखकर चौंक जाता है, असल में माइकल सीनियर दुनिया के सबसे बेस्ट बॉडीगार्ड होते हैं और वो माइकल के स्टेप फादर होते हैं और ये सारी चीज़ माइकल उसे बताता है। और फिर सोनिया उसके बैग के बारे में सीनियर को बताती है, तब वो उसे निकाल सकते हैं ये चीज़ बताते हैं। और फिर वो अपने आदमी को ये करने कहते हैं और फिर लोगों को सीनियर लंच पर आने कहते हैं और सारे लोग खाने बैठते हैं और वहीं पर सब माइकल की तारीफ करते हैं। और वहाँ केक आती है और उसे देखकर माइकल दुखी होता है और वहाँ से भाग जाता है। तब सोनिया उसका कारण पूछती है और वहीं पर सीनियर बताता है कि माइकल छोटा था तब उसकी माँ के साथ मेले में गया था और वहाँ वो आइसक्रीम खाने गया जिसमें उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम आइसक्रीम चूज करने में लगा दिया था। और वहीं पर झूले में एक मोटा आदमी मजे कर रहा था जिसमें वो वहाँ से गिरता है और वो माइकल की माँ से टकरा आता है और वो वहीं पर मारी जाती है। और तब से माइकल का मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल गया होता है, ये चीज सीनियर बताता है। और इससे सोनिया दुखी होती है और वो माइकल के पास आती है और वो बोलती है कि माइकल को माँ के प्यार की जरूरत है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी है। और वहीं पर माइकल बताता है कि वो उसकी गलती थी कि उसने आइसक्रीम जल्दी से सिलेक्ट नहीं की। और वहाँ सोनिया वो काफ़ी अच्छा है ये चीज़ बताती है और वो उसे संभाल लेगी ये बोलती है, लेकिन माइकल को इसके साथ रहना नहीं पसंद है ये वो बोलता है। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है और घर में आता है जिसमें सीनियर उसे बताता है कि वो सोनिया के बैग को अनलॉक करने वाला है, साथ ही वो माइकल को उसका लाइसेंस बहुत ही जल्दी वापस करवा देकर ये चीज़ बताता है। और फिर वो माइकल को एक कार की चाबी देता है और उसे उसके फार्म हाउस पर आराम करने कहता है, जिसमें तीनों वहाँ से निकलते हैं। और वहाँ पहुँचकर तीनों खुश होते हैं और वहीं पर तीनों पर हमला होता है और तीनों बेहोश हो जाते हैं। और फिर उन्हें एरिस के घर पर लेकर जाया जाता है और वहाँ एरिस के गार्ड्स उनके कपड़े हटाते हैं। और फिर वहाँ पर एरिस आता है और तीनों डर जाते हैं। और वहाँ एरिस सोनिया के पास आता है और वो बोलता है कि उसे लगा कि वो मर गई थी और फिर वो उसे याद दिलाता है। वो लोग पहले साथ में हुआ करते थे और वो लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते थे, जिसमें एक दिन बोट से सोनिया गिर गई थी और एरिस उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दुखी था। और फिर सोनिया की याददाश्त चली गई थी ये चीज़ वो बताती है, जिसमें वो बचने के बाद उसने ज़िंदगी फिर से शुरू की थी। और वहाँ एरिस को देखकर उसे सब चीज़ें याद आ गई ये चीज़ वो बोलती है। और वहाँ एरिस उसके हाथ से बैग निकाल देता है और फिर माइकल और किंगकार्ड को वहाँ से लेकर जाया जाता है। और फिर वो सोनिया को लेकर ऊपर जाता है जिसमें वो उसके साथ बच्चों की तैयारी कर रहा है ये चीज़ बताता है। दूसरी तरफ माइकल सोनिया के बारे में किंगकार्ड से पूछ रहा होता है, तब वहाँ पर दो जन आते हैं और दोनों किसके लिए काम करते हैं ये चीज़ पूछते हैं। तब दोनों हंसने लगते हैं और वहाँ दोनों को शॉक दिया जाता है और फिर दोनों उन लोगों को मारने लगते हैं और उन्हें मारकर दोनों बाहर निकलते हैं। और बाहर उन्हें कुछ और लोग मिलते हैं, तब दोनों मिलकर उन्हें धोकर बाहर निकलते हैं। और बाहर आकर किंगकार्ड सोनिया को अपने साथ आने कहता है और तब वो बाहर आती है और बोलती है कि वो उसे पसंद नहीं करती और अब वो एरिस के साथ रहना चाहती है, जिसमें वो उसे ज़िंदगी का हर सुख देने के लिए तैयार होता है। और ये सुनकर किंगकार्ड दुखी हो जाता है और वहाँ दूसरे लोग भी आ रहे होते हैं। तब माइकल उसे लेकर वहाँ से भागता है और दोनों
दोनों वहाँ से बोट से निकल जाते हैं और माइकल किंकार्ड को उसे भूल जाने कहता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वो बोलता है कि वो बाप नहीं बन सकता इसलिए वो दुखी है। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर दोनों अलग हो जाते हैं और माइकल अपने पिता सीनियर से जाकर मिलता है और वो उनकी मदद मांगता है। तब वहाँ पर उसे उसके पिता की कार दिखती है और उसे कुछ चीज़ों में गड़बड़ लगती है और वहीं पर उसके पिता बताते हैं कि वो एरिस का बॉडीगार्ड है। और फिर वो माइकल को मारता है और बोलता है कि वो निकम्मा है और ऐसा ही रहेगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और ये सुनकर माइकल को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और फिर वो उसके पिता के जाने के बाद कार पर केरोसिन डालकर उसे जला देता है। और वहाँ से वो एक क्लब में जाता है और वहाँ किंकार्ड दुखी होकर दारू पी रहा होता है और लोगों से झगड़ ही रहा होता है। दूसरी तरफ एरिस अपने हथियार को मशीन से जोड़कर तैयार करता है जिससे वो शहर में काफ़ी बड़ा हमला कर सके। और क्लब में माइकल किंकर्ड को बताता है कि उसके पिता एरिस के गार्ड हैं और वो बहुत ही बुरे हैं और वहाँ दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और दुख बांटते हैं। और वहीं पर किंकर्ड के लिए फ़ोन आता है और सोनिया उससे बात करती है और वो बताती है कि किंकर्ड को मारने ढेर सारे लोग आ रहे हैं और वो बोलती है कि एरिस से वो पहले भी नफरत किया करती थी और इसी वजह से उसने मौत का झूठा नाटक किया था और अब वो हथियार के लिए उसके साथ रहकर नाटक कर रही है और वो किंकर्ड से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है ये चीज़ बोलती है। और फिर दोनों बच्चों को एडॉप्ट करने का डिसाइड करते हैं और वहीं पर सोनिया सब चीज़ों का पता लगा लेती है और सारी डिटेल किंकर्ड को दे देती है। वहीं पर उन लोगों की बात एरिस सुन लेता है और वो सोनिया को मारता है और बंदी बना लेता है जिसमें वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा ये बोलता है। दूसरी तरफ क्लब में लड़ाई चल रही होती है और वहाँ से माइकल किंकर्ड को लेकर निकलता है और उनके पीछे गुंडे गोलियाँ चला रहे होते हैं। तब दोनों काफ़ी तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ किंकर्ड उससे मदद मांगता है और वो बोलता है कि उसके पास कोई और चीज़ करने को है नहीं तो वो ज़रूर करेगा और वो लोग सोनिया को ज़रूर बचा लेंगे। और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। फिर एक जगह पर दोनों तैयारी करते हैं जिसमें किंकर्ड माइकल को उसके पिता की बातें सीरियसली नहीं लेने कहता है और फिर वो उसकी तारीफ़ करता है और दोनों सोनिया और दुनिया को बचाने निकलते हैं। और किंकर्ड को पता होता है कि एरिस एक क्रूज से सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा है और फिर दोनों बोट से क्रूज के पास जाते हैं और दोनों तैरकर क्रूज में घुसते हैं और वहाँ एरिस ने सोनिया को मारने की तैयारी की होती है और वहाँ किंकर्ड और माइकल घुसते हैं और ढेर सारे लोगों को मारते हैं। और पानी के अंदर एरिस ने मशीन को शुरू कर दिया होता है जिससे वो ब्लास्ट कर सके और वहीं पर माइकल और किंकर्ड अंदर घुसकर लोगों से लड़ते हैं जिसमें दोनों से एरिस के गार्ड लड़ रहे होते हैं। और पानी में मशीन का टाइमर शुरू कर दिया जाता है और किंकर्ड और माइकल दोनों गार्ड्स को धो देते हैं और निशाना लगाकर मार देते हैं और माइकल आगे बढ़ता है और वहाँ एरिस नीचे आता है और किंकर्ड गोलियाँ चलाता है जिसमें वो घायल होता है। और तब वहाँ माइकल आता है, वहीं पर सीनियर आकर उसे रोकते हैं लेकिन माइकल उनकी बात नहीं मानता और फिर दोनों में लड़ाई होती है जिसमें सीनियर और माइकल लड़ते हैं और ऊपर सोनिया लड़की को मारकर आज़ाद हो जाती है और वो उसे मार देती है। और किंकर्ड एरिस से लड़ता है जिसमें सोनिया वहाँ आती है और एरिस को मार देती है। नीचे सीनियर और माइकल लड़ रहे होते हैं और सीनियर माइकल को मारने वाला होता है, तब माइकल अपने चाकू से सीनियर को मार देता है और वहाँ वो मरते मरते बताता है कि माइकल ने अगर मशीन को रोका तो वो वहीं पर फट जाएगा जिसमें वो मारा जा सकता है। और तब माइकल को सीनियर कमज़ोर बताता है और वहाँ माइकल भागकर मशीन को रोक देता है और वो वहाँ से भागता है और ऊपर सोनिया और किंकर्ड के साथ वो पानी में कूद पड़ता है और पूरा क्रूज ब्लास्ट हो जाता है। कुछ देर के बाद इंटरपोल तीनों को बचा लेते हैं और वहाँ बॉबी की बॉस उसके काम की तारीफ़ करती है और फिर वो सोनिया किंकर्ड और माइकल के पास आता है और सोनिया और किंकर्ड के हनीमून के लिए उसने एक बोट ली है ये चीज़ बताता है और वहाँ पर वो तीनों को जाने कहता है। और फिर वो एक पेपर निकाल कर माइकल को साइन करने कहता है जिसमें उसे लगता है कि सोनिया ने उसके लिए ट्रिपल ए का लाइसेंस मांगा था और वो साइन कर खुश हो जाता है। और वहीं पर सोनिया बताती है कि वो एडॉप्शन पेपर है और माइकल अब सोनिया और किंकर्ड का बेटा है और वहीं पर किंकर्ड और माइकल बोलते हैं What the fuck? और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में बोट में किंकर्ड और सोनिया मचा रहे होते हैं और उनकी बातों से तंग आकर माइकल पानी में कूद पड़ता है और इसी के साथ ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म होता है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगे और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूले। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।